वो सब लेजेंड गैंग और हमने फाइनली एपिसोड 12 भी देख लिया है बिग बॉस का, जिसमें स्टैन और अर्चना की ब्रो लड़ाई हो जाती है। स्टैन को वो बोल देती है कि तेरे में जिगरा है तो स्टैन को बुरा लग जाता है, क्या तू बोलती रहती है, ये क्या तू ये क्या, जो कि सही बताऊं तो यार मतलब अर्चना को नहीं कहना चाहिए था उसको। मतलब आपको भी अगर ये फील हो रहा है तो मतलब मेरी तरह फील कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस वजह से बोल रहा हूँ कि मतलब यार मतलब अर्चना यार मतलब सही है, वो जैसी भी है, वो मुंह फटा है जैसी भी है, पर वो जो स्टैन कह रहा था कि ये दो दो कर रही है कि इधर भी अलग उधर भी कर, वो नहीं कर रही है ऐसा यार, मतलब उसका करैक्टर नहीं है वैसे। उसने अपनी मम्मी की कसम भी खाई थी तब भी नहीं स्टैन माना एक तरीके से। स्टैन भी थोड़ा एग्रेसिव हो गया तो उस टाइम पे, उसका भी थोड़ा मूड खराब हो गया और उधर से अर्चना का भी मूड खराब हो गया, जो कि मतलब दोनों तरफ से ही थोड़ी अनबन सी होगी, जो कि मेरे को सही नहीं लगी कि मतलब क्यों हो रहा है यार। मतलब दोनों अच्छे से चल रहा था यार, मतलब जब दोनों सामने किसी पे भिड़ रहे हैं तो मजा आ रहा है, पर आपस में भिड़ रहे हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अगर हाँ ये दोनों एक साइड और सामने किसी को पेल रहे हैं तो मजा आ रहा है भाई, तो मजा आ रहा है, तो वो होना चाहिए यार, ऐसे आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। स्टैन एक तरीके से मेरे हिसाब से तो यार मतलब नहीं बोलना चाहिए था, गलत करा ठीक है बोल दिया चलो कोई बात नहीं है, पर नहीं बोलना चाहिए था अपने में, तो नहीं बोलना चाहिए किसी को यार। और वो दो दो जो बोल रहे थे कि दो दो कर रही है, ये इधर अलग कर रही है इधर कर रही है, ऐसा नहीं है उसका करैक्टर। मतलब हम तो जान रहे हैं स्टैन को नहीं पता अंदर, वो मैं जानता हूँ कि उसको नहीं पता कि वो क्या कर रही है पीठ पीछे, पर हम तो देख रहे हैं, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर रही ना, तो यार सही है, वो सही है, बहुत सही है, उसका करैक्टर भी बहुत सही है मतलब बिग बॉस में। और एक सीन आता है जहाँ पे सारे के सारे फेस मास्क लगा के बैठे होते हैं, तो वहाँ पे स्टैन ने भी लगाया होता है, तो वो सारे प्लान बनाते हैं, बोलते हैं कि चलो यार अब्दू को डराते हैं, अब्दू को डराते हैं, तो स्टैन पीछे से कहता है निमृत तू जा निमृत तू जा। मैं कह रही यार वो तो सबसे सुंदर दिख रही है भाई घर में, स्टैन उसी को कह रहा है तू जा तेरे तो डरेगा ज्यादा, तो मेरे को बहुत सही लगा, वो मजे ले रहा है सही में, मजा आ रहा है भाई मजा आ रहा है ऐसा। अर्चना से लड़ाई होने के बाद ही उसका मूड खराब हो जाता है स्टैन का, जो मैंने देखा आपने भी देखा होगा सबने देखा, उसको बुरा लगा था कि यार मैंने क्या कर दिया, जो कि एक अच्छा साइन है। मतलब उससे मतलब बंदे का ना वो पता चलता है कि वो जानबूझ के नहीं करा उसने, कितना साफ दिल का है वो उससे पता चल रहा था, उसको फील हुआ कि उसने बोल दिया। एंड में जाके उसने सॉरी भी बोला, यार मेरे मुंह से निकल गया, तुझे पता है ना कि मेरे मुंह से ऐसे निकल जाता है, तो मैंने मतलब इंटेंशनली नहीं दी, वो मेरे मुंह से निकल गई, मैं तेरे को डाउनग्रेड या मतलब एक तरीके से बेइज्जती करने के लिए नहीं बोला, वो मेरी लैंग्वेज है तो मैं वैसे ही बोलता हूं, तो वाला सीन था उसका, जो कि उसने माफ़ी मांगी, जो कि मैं सोच रहा था कि स्टैन को मांगनी चाहिए। मतलब उसने बोल दिया ठीक है लड़ाई हो गई सब ठीक है, जो उससे पहले ही बढ़िया था कि मेरे को लग रहा था कि स्टैन को ये करना नहीं चाहिए था बहुत जल्दी, मतलब उसने ना एकदम से डिसीजन लेके कुछ भी बोल दिया अर्चना को, जो कि सही नहीं था। हाँ ना, अगर आप भी फील करते हो तो बताना कमेंट सेक्शन में प्लीज़, अगर सेम मेरी तरह फील करते हो कि स्टैन को थोड़ा सोच लेना चाहिए था फिर बोलना चाहिए था, पर हाँ जो बोल दिया तो बोल दिया, पर मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कोई डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बोला, उसकी लैंग्वेज ही वैसी, मतलब वो बोलता ही वैसे है, तो उसने कोई वैसे नहीं बोला। मतलब मैं क्या बोलूं सही में, मेरा भी ऐसी मतलब स्टैन और मेरा ना रिलेट हो रहे हैं भाई, मतलब स्टैन के साथ ना मेरे इमोशंस रिलेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, बहुत ही सेम मेरे को ऐसे ही होता है, मैं किसी को बोल देता हूँ फिर मेरे को लगता है कि यार मैंने ज़्यादा बोल दिया, तो मेरे को नहीं अच्छा लगता, फिर मैं जाके सॉरी बोल देता हूँ अपनी तरफ से ही, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ईगो है कि जैसे स्टैन ने कि जाके खुद ही बोल दिया यार मैं तेरे को नहीं बोल रहा था, मेरी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ अगर तेरे को बुरा लगा तो, मैं उस वजह से नहीं था। फिर वो रोने भी लगी कि मेरे को गाली मत दे यार तू, और सब कुछ कह ले मेरे को गाली नहीं देने का, तो कह रहा है ठीक है नहीं दूंगा, तो बहुत प्यारा सीन था वो, बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही प्यारा सच्ची में भाई, अच्छा लगा स्टैन को। मतलब वो जो उसके बाहर जो करेक्टर लोग बोल रहे थे ना उसके बारे में उल्टा सीधा कि स्टैन ने हमारे साथ ऐसा करा है वैसा करा है, ब्रो वहाँ दिख रहा है, ब्रो वहाँ दिख रहा है, अब वो एक्टिंग नहीं कर रहा है ब्रो, वो रियल बंदा दिख रहा है अंदर, रियल इमोशंस। फेक होता है कि आप एक टाइम पे अच्छे बन रहे हो फिर उसके थोड़ी देर बाद ही आप अजीब से मतलब बिहेवियर चेंज हो जा रहा है आपका, तब आप लग रहा है एक्टिंग। जैसे ही उसने लड़ने के बाद उसका मूड खराब हो गया, वो किससे बात नहीं कर रहा था, उसका मूड स्पॉइल हो गया पूरा। देन उसने जब अर्चना को सॉरी बोला जाके उससे बात करी तो तब जाके उस मूड सही हुआ, जो कि बहुत ही मतलब मेरे को सही लगा। मेरे को मैं चाहता था जैसी लड़ाई हुई मैं कहा यार ये गलत हुआ है, अब स्टैन और इसको मतलब वापस दोस्त बन जाना चाहिए, मतलब एक तरीके से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, गिले शिकवे खत्म करो, तो वो मेरे को सही लगा कि एंड में वो हुआ। सो लेट्स गो मैन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, पीस आउट।